तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड गाइस, आप लोगों ने सुरभि के आज वाला व्लॉग देख लिया होगा कि व्लॉग क्या था। हाँ गाइस, फिर से हमारी उम्मीद टूट चुकी है। हम सभी 4 महीने से परेशान है कि सुहाग अब मिलेगा अब मिलेगा, बट हमें पर हर बार हमारी उम्मीद टूट जाती है। एंड गाइस, इस बार भी ऐसा ही हुआ है। सुरभि ने कहा था कि किसी स्पेशल वन ने उन्हें ये रोज दिया है, बट गाइस आज के व्लॉग में हमें पता चला कि उनकी एक फैन गर्ल ने उन्हें ये रोज दिया था। एंड गाइस, फिर से हमारी उम्मीद टूट चुकी है। एंड गाइस, काफी सारे फैंस तो अब ऊब चुके हैं इन सब चीजों से। एंड बोल रहे हैं कि सुरभि सब कुछ ड्रामा कर रही है, हमेशा कहती है कि सरप्राइज आने वाला है, कोई स्पेशल वन सरप्राइज देने वाला है, और हम सब यही सोचने लगते हैं कि मोहक ही है एंड सोहक मिलने वाले हैं, बट हमेशा उम्मीद टूट जाती है। सुरभि ये सब कुछ व्लॉग के लिए कर रही है। तो गाइस, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आइए गाइस, देख लेते हैं कल की वीडियो के कमेंट। एंड आज मैं उस रोज वाली वीडियो के कमेंट्स को नहीं लूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता चल ही चुका है कि किसने वो रोज दिया है। बट उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कमेंट है वो मैंने लिए हैं। एंड आप लोगों के सभी के कमेंट्स को मैंने शामिल करने की कोशिश की है। पहला कमेंट है सोफिया नवाज का, मोहक भाई ने दिया है। आसिफ खान ने कमेंट किया वी वॉन्ट सोहक। आशिका ने कमेंट किया थैंक यू दी फॉर डेली अपडेट्स। VGVH ने कमेंट किया है कोई कैसे धोखा दे सकता है सुरभि को, यार शी इज सो क्यूट। मोहक कैसे धोखा दे सकते हैं सुरभि को, पहले फेमस होने के लिए सुरभि को यूज किया और बाद में धोखा दे दिया। लव यू सुरभि दी, आई एम ऑलवेज विथ यू। तो गाइज, यहाँ पर अभी कहना मुश्किल है कि किसने किसको धोखा दिया है, बट गाइज जिस तरह से सुरभि वीडियोस डालती है तो सभी को यही लगता है कि मोहक ने धोखा दिया है या मोहक ने ही ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से सुरभि हर्ट है। एंड गाइज, यहाँ पर मोहक का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। हाँ, अभी धीरे धीरे मोहक कुछ कुछ बातें ओपन करने लगे हैं, यानी कि कुछ कुछ हिंट हमें देने लगे हैं, बट इतनी हिंट से हम खुद नहीं कह सकते कि इन दोनों के बीच क्या हुआ है एंड किसने किसको धोखा दिया है। जब ये खुद ओपनली आकर बोल नहीं देते कि ये हुआ है, तब तक हम नहीं मानेंगे। एंड अभी अजम्पशन लगाना गलत होगा कि मोहक ने धोखा दिया है या फिर सुरभि ने धोखा दिया है। मुनीर रजा ने कमेंट किया मैम 4 मंथ से हम सब सोहक फैंस की सारी होप एक पे एक टूट रही है। जिंटू पटवारी ने कमेंट किया है ये दोनों के पास एक ही टाइम पर रेड लाइट कहाँ से आई, दोनों के फोटोज के पोज भी सेम है एक ही दिन में। तो हाँ गाइस, बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि दोनों के सेम पोज एंड सेम फोटो भैया ने नहीं दिया है, शायद किसी और ने दिया है, बट अगर ये रोज भैया ने दिया है तो हम खुशी पे मर जाएंगे। चिंटू पटवारी ने कमेंट किया है एंड सपोज कोई सब्सक्राइबर ने रोज दे भी दिया होगा, देन उसको थोड़ी पता होगा कि ऐसा होने वाला है, एंड एक व्लॉग बनाने तो पूरा दिन निकल जाता है, सो डिफरेंट ही होगा। तो आई होप गाइस, आप सभी ने अभी तक व्लॉग देख लिया होगा एंड आप लोगों को पता चल गया होगा कि सुरभि की काफी मेहनत भी लगती है। अनम ने कमेंट किया थैंक्स दी अपडेट देने के लिए, लगता है वो रोज उन्हें किसी बेस्ट फ्रेंड ने दिया होगा। गुंजन मुंजल ने कमेंट किया है वेट फॉर द व्लॉग, आई थिंक इस बार सोहक साथ में दिखेंगे। संजना ने कमेंट किया है पहले तो संजना वेलकम, आपने काफी दिनों बाद कमेंट किया है। संजना ने ये कमेंट किया है कि दी किसी ने दिया हो, बस ये दोनों साथ में हो। आशा दे ने कमेंट किया है थैंक यू दी, लव यू सोहक, लव यू टू आशा। रुतवा ने कमेंट किया है कुणाल और नितेश ने लक्की को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया है। तो गाइज, अभी तक मैंने ये चीज कंफर्म नहीं की है, आप लोग एक बार वो देख लेना एंड फिर मुझे कमेंट करके बताना। महन ने कमेंट किया क्या दी आपकी किसी फैन पेज से बात होती है, अगर होती है तो पूछना कि सोहक कब आएगा। तो गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज सुरभि के व्लॉग में जो फैन गर्ल आपको दिखी थी उन्हीं का वो पेज है सोहक, एंड उन्हीं से मेरी एक दो बार बात भी हुई थी। बट गाइज, मैं यहाँ पर बता दूं कि कोई भी फैन पेज सोहक के बारे में बताना नहीं चाहता है, हो सकता है कि उनको ऐसा बोला गया हो। मेरे पूछने पर उन्होंने बस यही कहा था कि बस ब्रेकअप वाली वीडियो मत बनाना, उसके अलावा कुछ भी वीडियो आप बना सकती हो। मोहम्मद नसीम ने कमेंट किया थैंक यू दीदी अपडेट देने के लिए। मोहम्मद नसीम ने कमेंट किया है थैंक यू दीदी अपडेट देने के लिए, मैं तो बहुत प्यारा सा कमेंट करती हूँ लेकिन आप मेरे कमेंट्स को शामिल नहीं करती। तो गाइज, मैं सभी के कमेंट्स को शामिल करने की कोशिश करती हूँ, बट मैंने आपसे कहा ना, बट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ना कि जब मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ या उसको हार्ट दे देती हूँ या लाइक कर देती हूँ तो वो यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो में से गायब हो जाते हैं। रिया रिया ने कमेंट किया है हेलो, मैंने तो इन्हें अनफॉलो कर दिया है। रिया रिया ने सेकंड कमेंट किया हाय दी, तो हेलो रिया कैसी हैं आप, एंड थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। ताले हंसारी ने कमेंट किया है आपकी न्यूज की जरूरत नहीं है, हमें खुद इनके कमेंट्स पढ़ लेते हैं, वीडियो भी रील्स भी पोस्ट भी देख लेते हैं, जितना भी न्यूज आप बताते हो उतना हमें भी पता होता है। तो हाँ साले, आपने बिल्कुल सही कहा, बट मैं ऐसे लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ जो ना तो स्नैपचैट चलाते हैं ना ही इंस्टाग्राम चलाते हैं। वो लोग सोहक की न्यूज देखने के लिए सिर्फ यूट्यूब का ही यूज करते हैं, यूट्यूब ही चलाते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए ये वीडियोस बनाती हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एंड काफी सारे फैंस ऐसे हैं जो कि मेरी यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं। मंसूरा खत्तून ने कमेंट किया है सोहक प्लीज आ जाओ ना प्लीज। सोनी शाह ने कमेंट किया वी मिस सोहक। अनन्या ने कमेंट किया थैंक्स, आप अच्छे वीडियो बनाते हो, अपडेट देने के लिए थैंक यू, वेलकम अनन्या। सेंगर कस्मा ने काफी सारे दुआ वाले इमोजी शेयर किए हैं। नूर ने कमेंट किया है थैंक यू सो मच दी,
इन प्लीज आप सोहक की ही अपडेट देना, हमें और किसी का अपडेट नहीं चाहिए। तो हाँ गाइज, कल जिंदू बटवाली ने मुझे कमेंट किया था कि आप दूसरे अपडेट्स भी सोहक के अपडेट के अलावा, तो गाइज यहाँ पर मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और की भी न्यूज दूँ, तो ज्यादातर लोगों ने यही कहा है कि नहीं, हमें सोहक की ही न्यूज चाहिए। सोफिया नवाज ने कमेंट किया है मिस यू सोहक। सोफिया नवाज ने अगला कमेंट किया है वी वॉन्ट सोहक बैक। गुंजन मुंजल ने कमेंट किया है थैंक्स फॉर डेली अपडेट। सालेहा यू सेड डेट आपकी सिस्टर आई हुई है, यू कैन मेक वीडियोस विद हर एंड वी ऑल आर एक्साइटेड टू सी यू इन न्यू कंटेंट। वीडियोस तो छोड़ो, मेरी सिस्टर उनके साथ मुझे फोटो तक नहीं लेने देती, मुझसे ज्यादा कैमरा शायद वो खुद है। श्रुति ने कमेंट किया है आप ये कीजिए दी, सिर्फ मोहक और सुरभि की ही अपडेट वीडियो दीजिए और कुछ मत कीजिए, बेवजह ही टेंशन मत लीजिए, अगर आप मुझे अपनी छोटी बहन मानती हैं तो। माय लव रिंगटोन ड्रीम गर्ल ने कमेंट किया है हाय गाइस, मेरा अपना चैनल है, आप लोग इस पर इस आईडी पर जाकर आप लोग इस आईडी पर जरूर आए दी, आप प्लीज बोलिए कि ये हमारा सपोर्ट करे। तो गाइज आप इनका चैनल भी देख सकते हैं, आपको करना ये है कि इन्हीं के जो कमेंट है जिस आईडी से इन्होंने कमेंट किया है उसी आईडी पर जाकर आप इनके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, एंड अगर आपको इनका कंटेंट अच्छा लगे तो आप इन्हें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ब्लेसी ठाकुर ने कमेंट किया दी आपका चैनल मोनिटाइज हो गया क्या, तो हाँ गाइज मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया है। अनम ने कमेंट किया थैंक्स दी रेगुलर अपडेट देने के लिए, वी मिस सोहक प्लीज कम बैक और वेट नहीं होता। ऋषु ऋषु ने कमेंट किया दी आप करते अच्छा हो, हमें डेली अपडेट देते हो, थैंक यू सो मच, वेलकम ऋषु ऋषु। नूर ने कमेंट किया दी एक सच बात बोलूं, मैं तो सोहक को बहुत ही प्यार करती हूं, जिस वजह से मैं तो पूरा दिन सोहक को लेकर ही सोचती हूं, हमेशा उनके पुराने वीडियोस देखती हूं, बट पता नहीं उनको देखते ही मुझे सुकून आता है। ब्यूटी अनम ने कमेंट किया है कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर होंगी मुलाकात अमीन। 01 गेमर ने कमेंट किया है हेलो दी हाय। नूर ने कमेंट किया है भैया जो वीडियो बनाए हैं वो सिर्फ फनी वीडियो है, भैया क्यों सुरभि दी का मजाक लेंगे और ये पोस्ट सारी लड़कियां ही देती है, आ जाओ सोहक। अनीता धकाते ने कमेंट किया है आप कमेंट वाली वीडियो अपलोड करो। निशा प्रजापति ने कमेंट किया थी सेम ब्लैक वाले आउटफिट के फोटोज डिलीट कर दिए हैं सुरभि दी ने। तो गाइस आप लोग एक बार इंस्टाग्राम पर जाकर चेकआउट कर लेना क्या सुरभि ने वाकई में ये फोटोज डिलीट कर दी है, क्योंकि मैं इस चीज के बारे में अभी कंफर्म नहीं हूं। आसिफ खान ने कमेंट किया दी आज स्नैप पे स्टोरी डाला है कि मेरे पिया मुझसे दूर है, आप भी देखना स्टोरी। तो हाँ वो स्टोरी मैंने देख ली है एंड मेरी यूट्यूब स्टोरी पर मैंने वो स्नैप लगा दी थी, आप लोगों ने जिसने नहीं देखी हो वो जाकर देख सकते हैं। मैंने कमेंट किया दी आपने एक चीज नोटिस की, जब सुरभि दी ने वो रेड रेड ड्रेस में उनकी हॉट फोटोज डाली थी उसके 5 मिनट बाद ही मोहक भैया ने भी उनकी हॉट फोटोज डाली, एंड जब सुरभि दी ने इंग्लिश सॉन्ग पर ट्रांजिशन वीडियो बनाया था तब भी मोहक भैया ने भी वही वीडियो इंग्लिश सॉन्ग पर ट्रांजिशन वीडियो बनाया था, मतलब कि दी मुझे तो ये कॉन्सिडेंस नहीं लग रहा है। तो हाँ गाइस मैंने कल वाली वीडियो में भी आप लोगों से बोला था कि बहुत सी चीजें ऐसी है जो कि कोइंसिडेंस नहीं लगती है बिल्कुल भी, ऐसा लगता है कि जानबूझकर ये चीजें की जा रही है। गाइस आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना।